बारिश में भीगे दो दिल, बरसात ने बढ़ाई रद्दी और गुंजन की रद्दी। और उस पर ये तन्हाई, और ऐसे में अगर हो जाए बरसात तो फिर कह नहीं क्या। रद्दी तो कब से गुंजन को दिल में बसाए बैठा है, अब ऐसे में पूछने वाले तो पूछेंगे ही। गुंजन मैडम, इस बारिश के बाद आपके दिल में भी रद्दी के लिए कुछ कुछ हुआ या नहीं? बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, कभी वो फील ही नहीं किया ऐसा कि वो, उसको भी नहीं पता कि रणवीर उससे प्यार करता है या कोई ऐसी फीलिंग नहीं हो, बस उससे बहुत अच्छी फ्रेंड है और बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। लो कर लो बा, गुंजन की गाड़ी तो दोस्ती के स्टेशन से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। छोड़िए, ये बताइए कि रणवीर के साथ आखिर तुसी जा के तो रहती। मन्नत मांगने दरगाह मजार पे, और बिन मौसम बरसात हो गई तो हाँ बारिश होती तो काफी रोमांटिक है, बट वैसा कुछ नहीं। तो आप ये बताइए कि आप दोनों के बीच में ये मिनी एरोप्लेन क्या कर रहा है? मेरा वो हवाई जहाज जो मैं गुरुद्वारे में हमेशा चढ़ाती हूँ, और ये बिलीव करती हूँ कि वो चढ़ाने के बाद रब जी मेरी यू नो दुआ कबूल करेंगे, इसीलिए आज रणवीर मुझे मजार पे लेकर आए हैं और वो हवाई जहाज चढ़ा के मैं मांगने वाली हूँ, मन्नत करने वाली हूँ, तो सात समंदर पार जाने को बेताब है, पर रणवीर आपने क्या मन्नत मांगी? मैंने मन्नत ये मांगी कि गुंजन चली जाए बाहर, दिमाग खराब है मेरा, बाहर जाए कि मैं खुश रहूं। मुझे जाना है प्रिंट छट के। हाँ जाना फिर जाओ। तो विदेश जाने की मन्नत मांगी। मैं एक्चुअली मन्नत ये मांगी कि गुंजन खुश रहे और जो भी इसका सपना हो पूरा। प्यार हो तो ऐसा, अकेले में तो आप गुंजन के लिए शेरो शायरी करते हैं, उनके प्यार में कवि बन बैठे हैं, लेकिन दिल की बात उनके सामने कहने में डरते हैं। बेटा गाना शाना लिखा जा रहा है, इसके बाद से लिख रहा है गाना रणवीर। भाई हम तो रब जी से यही मन्नत मांगते हैं कि जल्द से जल्द गुंजन को आपके डरते दिल का पता चल जाए, विदेश जाने की बजाय हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाए। सामना मुंबई आज तक।